नमस्कार, आप देख रहे हैं राठ न्यूज। मैं आपके साथ रूबिका। जी हां, शाहजहांपुर बॉर्डर पर केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि बिलों को किसान विरोधी करार देते हुए देश भर के विभिन्न किसान संगठनों द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा का गठन कर एक ही झंडे के आंदोलन में एकजुटता के साथ कृषि बिलों को रद्द करने व MSP गारंटी का बिल पारित कराने की मांग करते हुए आंदोलनरत किसानों द्वारा दिल्ली बॉर्डर के आधा दर्जन स्थानों पर महापड़ाव डालकर विरोध किया जा रहा है। केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों की एक के बाद एक हुई वार्ताओं में सकारात्मक हल नहीं निकल पाने के चलते इन दिनों संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 26 जनवरी को ट्रैक्टरों के साथ लाखों किसान दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड निकालने की तैयारी में जुटे हैं। किसान सभा को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा समन्वय समिति सदस्य व पूर्व विधायक अमरा राम ने बताया कि किसानों द्वारा दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के रूप में देश के जवान व किसानों द्वारा गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर जवानों की परेड व आमजन को बाधित किए बिना देश में पहली बार ऐतिहासिक परेड कर दिखाने की बात कही। जाट ने कहा कि केंद्र की दिल्ली पुलिस, हरियाणा व उत्तर प्रदेश पुलिस के उच्चाधिकारियां, संयुक्त किसान मोर्चा समन्वय समिति पदाधिकारियों ने वार्ता कर KMP से परेड निकालने का प्रस्ताव दिए जाने को खारिज करना बताया। वहीं परेड में शामिल होने वाले सैनिकों व आमजन को दखल दिए बिना दिल्ली में रिंग रोड में ट्रैक्टर परेड निकाले जाने की बात जाट ने कही। जी हां, लगातार बने रहिए राठ न्यूज के साथ। मैं आपके साथ रूबिका। कार्यक्रम किसानों का, किसान संयुक्त मोर्चे ने 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के दिन, जहां देश का जवान गणतंत्र दिवस की परेड करेगा, इस किसान आंदोलन की संयुक्त मोर्चे ने तय किया है किसान भी अपने ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में गणतंत्र परेड करेगा। अभी सरकार की पुलिस, केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पुलिस के उच्च अधिकारी लगातार मिल रहे हैं, लेकिन उनका प्रस्ताव जो दिया है कि KMP से वो किसान ट्रैक्टर परेड कर ले, लेकिन संयुक्त मोर्चे ने उनके प्रस्ताव को रिजेक्ट किया है। उनका फिर बात करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों की ट्रैक्टर परेड को रोकने से इनकार कर दिया है। निश्चित रूप से इस देश का संविधान देश के हर नागरिक को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का, गणतंत्र दिवस में शामिल होने का अधिकार देता है, आंदोलन का अधिकार देता है। इसलिए कोई भी सरकार, कोई भी पुलिस इस देश के अन्नदाता जो बहुमत संख्या में है, वो पिछले 2 महीने से करीब से आंदोलन कर रहा है काले कानूनों के खिलाफ, MSP के कानूनी दर्जा देने के लिए, तो इस परेड को किसी भी सूरत में रोक नहीं सकते। और मैं ये कह सकता हूँ संयुक्त मोर्चे की मीटिंग के बाद कि अपने आप में अद्भुत होगा, ऐतिहासिक होगा। जितने लाखों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर के आएंगे, मैं समझता हूँ ये जो इनर रोड है जिसपे कहीं भी लाल बत्ती नहीं है, आम जनता को भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि और ब्रिज बने हुए हैं हर चौराहे पे। इसलिए केवल और केवल किसान गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर परेड से शामिल होगा। वो न सरकार रोक सकती है, न पुलिस रोक सकती है। इसलिए जो देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, पहला ये गणतंत्र दिवस होगा जिसमें इस देश का जवान भी परेड करेगा और इस देश का किसान भी परेड करेगा। सर, केंद्र सरकार ने कहा है कि 1.5 साल तक कोई किस तरह का कानून लागू नहीं होगा। मैं समझता हूँ केंद्र की सरकार पहले किसान नहीं मान रही थी, ये किसानों के बहबुद्धि के लिए कह रही थी किसान का ये काले कानून वापस नहीं होंगे। अब वो 1.5 साल होल्ड करने के लिए तैयार हुई है और आने वाले दिन में वो कानूनों को वापस लेने के लिए भी तैयार होगी, क्योंकि ये कानून न केवल किसान के खिलाफ है, बल्कि किसान के खिलाफ हैं, व्यापारी के खिलाफ हैं और देश के आम उपभोक्ता के खिलाफ हैं, देश के खिलाफ हैं। इसलिए लड़ाई न केवल अकेले किसान की है, इस देश को बचाने की है। देश का किसान और आम उपभोक्ता और व्यापारी बचेगा तो देश बचेगा। अंबानी, अडानी और मोदी और अमित शाह का देश नहीं है, इस देश के 130 करोड़ लोगों का देश है। उनकी खुशहाली के लिए लोगों ने वोट दिया था, उनकी बर्बादी के लिए वोट नहीं दिया था। कितनी तारीख को दिल्ली कूच होगा यहाँ से बॉर्डर से? दिल्ली 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड होगी और उसमें शामिल होंगे, और ट्रैक्टर परेड करके जहाँ मोर्चे, चाहे शाहजहांपुर है, टिगरी है, चाहे वो गाजीपुर है, पलवल है, सिंगू है, सब परेड करके वो ट्रैक्टर लेकर के किसान अपने मोर्चों में वापस आ गए। तो धरना जारी रहेगा?
धरना जारी रहेगा जब तक ये मांगे नहीं मानी जाती है। कानून पास करना है तो दो कानून, एक पूरे देश को इन नीतियों से जो कर्जा हुआ किसानों को कर्जा मुक्त करने का, और स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार MSP की खरीद और गारंटी, और उससे नीचे कोई खरीदता है तो उसको सजा का प्रावधान का कानून पास करे। ये अमानी अडानी और वालमार्ट विदेशी कंपनी को मालामाल करने के लिए कानून नहीं चाहिए, इस देश की खुशहाली के लिए कानून चाहिए। और देश का किसान खुशहाल होगा, देश का मजदूर खुशहाल होगा, तो देश खुशहाल होगा। अमानी अडानी से खुशहाल नहीं।